Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद कि हम इन वीडियोस के माध्यम से मिल करके परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। आज जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ये इस वर्ष के आरंभ में प्रभु ने मेरे दिल में डाली। जब ये वर्ष शुरू हुआ तो मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु, इस वर्ष हमें क्या सीखना है, खासतौर से हमारी चर्च में कौन सी बातें हमें सीखना जरूरी होगा। और तब प्रभु ने विचार मेरे दिल में डाला कि जब तुम देख रहे हो कि अंत के दिन आ रहे हैं, बल्कि हम अंत के दिनों में चली रहे हैं, तो बेहतर होगा कि कलीसिया को अंत के दिनों के लिए तैयार करो। और तभी हमने एक श्रृंखला शुरू करी, एक सीरीज शुरू करी कि बाइबल में हम अलग अलग जगहों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अंत के दिनों में बाइबल क्या कहती है और हमें कैसी तैयारी करनी होगी। सो मैं कोशिश करूंगा कि अपने ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए भी उस सीरीज में से कुछ कुछ संदेश समय समय पर देता रहूंगा। और मैं आपसे कहूंगा, इन संदेशों को जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि ये अंत के दिनों के लिए हमारी तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है। इनमें से बहुत सी चीजें होंगी जो आप पहले से जानते होंगे, सो बोर मत हो जाइएगा, बल्कि लेट इट बी अ रिमाइंडर, है ना, वो चीजें आपको फिर से याद आ जाएं, फिर से आप उस तैयारी में अपने को मजबूत कर पाए। पहला संदेश जो इस श्रृंखला में प्रभु की ओर से मुझे मिला, वो आमोस उसके 8वें अध्याय से था। आमोस उसका 8वां अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 11वां और 12वां पद। वालिका परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। ना मैं और आप जानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेसी है जो अंत के दिनों के लिए है, और शायद बहुत जल्द ये प्रोफेसी पूरी हो जाए। और क्या है इस प्रोफेसी में, कि अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो जाएगा, परमेश्वर का वचन फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेगा। लिखा है अन्न और पानी की नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के सुनने ही की भूख और प्यास होगी, और लोग उत्तर से और पूरब तक, पश्चिम दक्षिण तक मारे मारे फिरेंगे, और वो परमेश्वर के वचन को नहीं पाएंगे। ना मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गौर करें इस बात पर, शायद मैं और आप जानते भी नहीं हैं कि हम इस प्रोफेसी के कितने करीब पहुंच चुके हैं। मुझे और आपको लगता है जितनी फ्रीली हमें अभी तक वचन मिलता रहा है, आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। हम संडे दर संडे परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे, संडे नहीं जा पाएंगे तो ऑनलाइन सुन लेंगे, और बढ़िया चलता रहेगा। पर प्रियो, आपको पता है परमेश्वर के वचन की हर बात सच्ची है और जरूर पूरी होती है। अगर लिखा है तो ये पूरा जरूर होगा। और क्या लिखा है, कि अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। ना मेरा सवाल ये है, अगर मुझे और आपको प्रभु ने बता दिया है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा, तो मैं और आप क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अंत के दिनों के लिए और इस प्रोफेसी के पूरे होने के लिए। सो इसी विचार में मैं सोचने लगा कि कैसे हम अपने आप को तैयार करें। अकाल पड़ेगा, वचन नहीं मिलेगा, हम क्या तैयारी करें। और फिर मुझे ख्याल आया यूसुफ के दिनों के अकाल का। मुझे याद आया उत्पत्ति 41 और 42 अध्याय में, जब यूसुफ के दिनों में फिरौन राजा ने एक ही स्वप्न को दो बार देखा, और कोई उसका अर्थ नहीं बता पा रहा था, तब यूसुफ बुलाया गया, और यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया, उसे इंटरप्रेट किया, और यूसुफ ने कहा, फिरौन तेरे स्वप्न का अर्थ ये है कि 7 साल तो बहुतायत होगी। परमेश्वर तुझे बताना चाह रहा है कि 7 साल तो उपज की बहुतायत होगी, लेकिन 7 साल की बहुतायत के बाद 7 साल का भयंकर अकाल पड़ेगा। और तब यूसुफ ने फिरौन को कुछ सलाह दी, और फिरौन ने कहा, हमें यूसुफ जैसा और दूसरा व्यक्ति कहां से मिलेगा, और उसने सारी जिम्मेदारी यूसुफ को ही दे दी। सो आज उसी विषय से हम आमोस की प्रोफेसी को मिलाकर सीखें कि हमसे क्या कहा गया है,
वचन का काल पड़ेगा। और जब हमको बता दिया गया वचन का काल पड़ेगा, तो आइए हम देखें यूसुफ ने कैसी तैयारी करी और क्या वैसी ही तैयारी मैं और आप आत्मिक रूप से अपने जीवनों के लिए कर सकते हैं। मैं उत्पत्ति 41 अध्याय में कुछ पदों में आपको ले चलूंगा और वहां से कुछ सीखी गई बातें आपके साथ बांटना चाहूंगा। उत्पत्ति 41 और वर्स 29 पद से आगे, सुन सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे और उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। 31 पर, और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगा क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। पहली बात जो मैंने सीखी, यूसुफ ने क्या बताया, यूसुफ ने फिरौन से कहा 7 साल बहुतायत के होंगे लेकिन उसके बाद जो अकाल के 7 साल होंगे वो इतने भयंकर होंगे कि लोग सुकाल के बहुतायत के वर्षों को भूल जाएंगे। दे विल फॉरगेट कि क्या कभी हम मनमाना खाया करते थे, क्या कभी हमारे पास आवश्यकता से अधिक हुआ करता था, क्योंकि 7 साल अकाल के बहुत भयानक होंगे, लोग सुकाल के वर्षों को भूल जाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी हमारे पास वचन की बहुतायत है ना, अभी हमारे पास परमेश्वर की संगति की बहुतायत है ना, अभी मैं और आप फ्रीली चर्च जाते हैं, फ्रीली बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से जितना चाहे मनबाना आशीष पाते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रियो, आमोस की प्रोफेसी ना भूलें, अकाल आएगा, वचन का काल आएगा, और जब वो वचन का काल आएगा तो शायद लोग इन सुकाल के वर्षों को भूल जाएं, लोग भूल जाएं कि हम फ्रीली चर्च जाया करते थे, लोग भूल जाएं हम फ्रीली परमेश्वर के वचन को पढ़ा करते थे और सीखा करते थे। सो कैसा भयंकर अकाल होगा मैं और आप नहीं जानते, लेकिन वचन का अकाल जरूर आएगा। और यूसुफ की बात को अगर हम याद करें तो सुकाल के बहुतायत के वर्ष भी भुला दिए जाएंगे। आगे पढ़ें उसका 32वां पद, और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। फिरौन ने कितनी बार स्वप्न देखा था? 2 बार। और यूसुफ क्या कह रहा है, क्योंकि फिरौन ने 2 बार स्वप्न देखा, इसका मतलब यह है कि यह बात नियुक्त हो गई है और परमेश्वर इसको शीघ्र पूरा करेगा, परमेश्वर इस बात में देरी नहीं करेगा। ना सोचिए, फिरौन ने तो 2 बार स्वप्न देखा था, बाइबल कितने स्वप्न और कितनी प्रोफेसीज देकर मुझे और आपको समझा रही है कि अंत के दिनों में बहुत कठिन समय आएगा। और मैं और आप कई बार उन प्रोफेसीज को पढ़ते हैं और हम कहते हैं हाँ हम जानते हैं, हाँ हमें बचपन से ये बातें मालूम है, हाँ ये चीजें होंगी, लेकिन हम शायद लापरवाह हैं और हम सावधान नहीं हो रहे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, फिरौन ने 2 बार स्वप्न देखा और यूसुफ कह रहा है ये बात टल नहीं सकती, ये बात पक्का होगी, जरूर होगी और शीघ्र होगी। और बाइबल अंत के दिनों के लिए कितनी प्रोफेसीज दे रही है, 2 से तो कहीं अधिक है, राइट? कितनी प्रोफेसी, नंबर्स ऑफ प्रोफेसीज ढेर है। इसका मतलब अंत के दिनों की बात पक्की है, प्रमाणित है और जरूर पूरी होगी, चाहे हम उस पर विश्वास ना भी करते हो, लेकिन अगर बाइबल में लिखा है वो बातें जरूर पूरी होंगी। अब देखिए आगे 33 पद से, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र के देश के ऊपर प्रधान ठहराए। नाउ ये बात मैं रुक कर कहना चाहता हूं, देयर वॉज अ नीड, उस समय एक आवश्यकता थी और वही आवश्यकता आज भी है। और आवश्यकता क्या है? समझदार और बुद्धिमान लोगों की। आप बोलिए मेरे साथ, समझदार और बुद्धिमान लोगों की आज भी नीड है। कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांट कर कहा, तुम क्यों नहीं समझते, तुम ना समझ क्यों हो, तुम विश्वास क्यों नहीं कर पाते, तुम भूल कैसे जाते हो, मैंने क्या काम तुम्हें दिखाए हैं और क्या बातें तुम्हें सिखाई हैं, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम समझते क्यों नहीं। प्रियो, आज ध्यान से समझे, कई बार मैं और आप प्रोफेसीज पढ़ रहे हैं
और परमेश्वर हमसे कहता है, फिर भी तुम समझते नहीं, फिर भी तुम बुद्धिमान नहीं हो रहे हो, फिर भी तुम केयरफुल नहीं हो रहे हो, फिर भी तुम लापरवाह बने हो। तुम्हें मालूम है ये प्रोफेसीज पूरी होंगी और तुम्हें मालूम है ये प्रोफेसीज जल्द पूरी होंगी, पर क्या तुम बुद्धिमान हो? याद है आपको बुद्धिमान कुमारियों की बात लिखी है, बुद्धिमान व्यक्ति की जिसने घर बनाया बात लिखी है। देर इज अ नीड ऑफ गॉडली अंडरस्टैंडिंग, आमीन। देर इज अ नीड ऑफ हेवनली विजडम। दुनिया की विजडम अलग है, लेकिन स्वर्गीय विजडम, परमेश्वर की विजडम मुझे और आपको सिखाती है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम केयरलेस ना हो जाएं, हम सावधान रहें। सो फिरौन से क्या कहा यूसुफ ने, तुझे आवश्यकता है एक बुद्धिमान व्यक्ति की, एक समझदार व्यक्ति की, जो सारी बातों की तैयारी करे। और मैं आपको चैलेंज करके कहना चाहता हूं, आपको भी आवश्यकता है, मुझे भी आवश्यकता है बुद्धिमान होने की, समझदार होने की, बाइबल की प्रोफेसीज को पढ़ के सचेत सावधान होने की, और ये कहने की, अरे वचन का काल पढ़ने को है, मैं अपने को तैयार करना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को तैयार करना चाहता हूं। और हम क्या तैयार करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, बुद्धिमान बने, समझदार बने। आइए देखें क्या तैयारी उसने करी, यूसुफ ने। 34 पद, फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वो मिस्र देश की उपज का पंचमांश, मतलब पांचवा हिस्सा लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उनकी रक्षा करें। वो भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहें, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। नाउ ये है तैयारी, ये है तैयारी, ध्यान से सुने क्या तैयारी करनी है। उसने कहा था अभी जब बहुतायत के वर्ष हैं तो तुम क्या करो, तुम भोजन वस्तु इकट्ठा करो। हाँ, गौर करिए इस वर्ड पर, कलेक्ट, इकट्ठा करो। आगे एक और वर्ड उसने यूज किया, उसकी रक्षा करो। हाँ, इसको इकट्ठा भी करो और उसको संभाल कर रखो, उसकी रक्षा करो। आगे लिखा है वो देश के भोजन के लिए रखी जाए, रिजर्व करो, रिजर्व करो, उसको संभालो, उसकी रक्षा करो। आप समझ रहे हैं मैं किस तैयारी की बात कर रहा हूं। उस समय अन्न का काल था, भोजन का काल था, तो भोजन वस्तुएं जमा की गई। आज हम बात कर रहे हैं वचन के अकाल की, तो हमें वचन को स्टोर अप करना है, हमें वचन को इकट्ठा करना है, हमें वचन को अपने दिल में संभालना है। आमीन। हमें वचन की रक्षा करनी है कि वो चिड़ियां आकर चुरा ना ले जाएं। वी हैव टू कलेक्ट, वी हैव टू स्टोर अप, वी हैव टू प्रिजर्व। हमें वचन जमा करना है, हमें वचन की रक्षा करनी है और हमें वचन को संभाल कर रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। और यूसुफ ने क्या कहा था, ताकि अकाल में देश का सत्यानाश ना हो जाए। अगर मैं और आप वचन को स्टोर अप करके रखेंगे तो वचन के अकाल के दिनों में हम संभाले जाएंगे, हमारा नाश नहीं होगा, हमारे परिवार संभाले जाएंगे। और आई होप आप समझ रहे हैं, मैं बाइबल्स कलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप एक की जगह 2 बाइबल खरीद लें, 2 की जगह 4 कहीं छुपा के रख लें, उससे कोई फायदा नहीं होना है। मैं बात कर रहा हूं वचन को अपने दिल में रखने की, वचन को मेमोराइज करने की। मैं बात कर रहा हूं वचन को ना सिर्फ पढ़ने की बल्कि याद करने की। कैसे, हम जब छोटे होते हैं तो हमें टीचर्स कहते हैं तुम्हें ये चीजें मेमोराइज करनी है ना, और हम उन चीजों को रट लेते हैं, और कुछ चीजें जो बचपन में आपने रटी थी वो अभी तक आपको एज इट इज याद है क्योंकि आपने मेमोराइज किया था। इसी तरीके से प्रभु के लोगों, वचन को पढ़िए भी लेकिन वचन को याद करिए, वचन को मेमोराइज करिए। मुझे एक गवाही याद आ रही है, एक प्रभु का जन था जिसे किसी बात के, दूसरे देश की बात है, उसे किसी बात के कारण बहुत लंबे समय की जेल हो गई और वो जेल में चला गया और वहां उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास कोई संगति नहीं थी और बहुत वर्षों तक वो जेल में रहा। और बहुत वर्षों के बाद जब उसकी सजा
पूरी हो गई, वो जेल से बाहर आया, तो उसने लोगों को आकर यूं बताया। उसने कहा, इस पूरे जेल के समय में, इतने वर्षों में, एक ही चीज ने मुझे संभाला, एक ही चीज ने मुझे संभाला। उसने कहा, जो वचन मैंने याद करके रखे थे, उन्हीं वचनों से मैं इस जेल के समय में संभाला गया। प्रियो, कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन को अपने दिल में स्टोर अप करना। आमीन। आप सहमत हैं? यही काम यूसुफ ने किया, अब यही काम मुझे और आपको करना है। वचन की रक्षा करनी है, वचन को स्टोर अप करना है। अगर मैं यही उत्पत्ति 41 और उसके 48 पद से आगे तक कुछ पढूं, तो वहां देखिए क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु जो मिस्र देश में होती थी जमा करके, यहां एक और वर्ड आया जमा करके, वहां आया इकट्ठा करें, यहां आया जमा करें, राइट? जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, परमेश्वर के वचन को जमा करके रखिए अपने अंदर। जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तु उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहां तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गया था। काश मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को इतना अपने अंदर भर लें कि हम भूल जाएं कि हमने कितने चैप्टर्स याद कर लिए। आमीन। हम भूल जाएं, या क्या लिखा है, उसने गिनना छोड़ दिया क्योंकि असंख्य हो गया था, असंख्य हो गया था। परमेश्वर का वर्ड मेरे और आपके दिल में भी काश ऐसे ही हो जाए ना, असंख्य हो जाए, ढेर सारा वचन हमारे अंदर स्टोर अप हो जाए। और अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हम करेंगे, तो फिर अगर वचन का अकाल भी हमारे दिनों में पड़ेगा तो भी जो वचन हमारे अंदर है उस वचन से हमको सहारा मिलेगा, उस वचन से हमको बल मिलेगा। आमीन। उस वचन से हम और हमारे परिवार आत्मिक रूप से तृप्त रहेंगे। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अनेकों और भी गवाहियां सुनी है जहां लोगों ने परमेश्वर के वचन को याद कर लिया था और उस बात के कारण उन्होंने कठिन समयों में भी परमेश्वर की मदद को पाया और कठिन समय को आसानी से उन्होंने पार कर लिया। आगे क्या हुआ मैं और आप जानते हैं। मैं पढ़ रहा हूं इसके 56 पद, 56 वर्स को। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ना क्योंकि यूसुफ ने अन्न को जमा कर रखा था इसलिए उसके देश के लोग और फिर कई अन्य देशों के लोग यूसुफ के पास आने लगे। और ये टाइम था मर्सी करने का, ये टाइम था जो यूसुफ ने स्टोर करके रखा था वो लोगों के साथ बांटने का। और सोचिए, ना मालूम कितने अनगिनत परिवारों की यूसुफ ने रक्षा की होगी, उनको मरने से बचाया। क्यों? क्योंकि यूसुफ बुद्धिमान था और समझदार था और उसको जब पता चल गया कि अकाल पड़ेगा उसने पहले से स्टोर हाउसेस बनाए और तैयारी करके रखा। आप आगे पढ़ेंगे 42वें अध्याय में, वहां लिखा है कि यूसुफ का परिवार जो नहीं जानता था, यूसुफ का पिता और उसके भाई वो नहीं जानते थे कि यूसुफ अभी भी जीवित है, उसकी स्टोरी आपको मालूम है। और उनके भी देश में अकाल पड़ गया, वहां भी अकाल पड़ गया। और तब यूसुफ के पिता ने यूसुफ के भाइयों से कहा, मैंने सुना है मिस्र में बहुत अन्न है, तुम जाओ और वहां से भोजन वस्तु लेकर के आओ। और आपको पता है यूसुफ के भाई आए, वो तो नहीं पहचाने यूसुफ को, लेकिन यूसुफ पहचान गया और यूसुफ ने अपने भाइयों को अनाज दिया, पिता के लिए अनाज दिया। और फिर आगे चलकर आपको पता है उसने अपने पूरे परिवार को मिस्र में बुला लिया और उनकी देखभाल करी और उनके अकाल के समय में उसने हिफाजत करी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ना केवल दूसरे लोग आशीष पाएंगे लेकिन अगर आप वचन को अपने दिल में जगह देंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, आपका खुद का परिवार बचाव पाएगा, आपका खुद का परिवार आशीष पाएगा। सबसे पहले तो आप अपने परिवार, अपने घराने के लिए ब्लेसिंग बनेंगे। आमीन। आप अपने चर्च के लिए ब्लेसिंग बनेंगे, अपने चर्च के लोगों के लिए आप आशीष का
कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वचन को अपने अंदर जमा करके रखा है। प्रियो, परमेश्वर के वचन को सीखना और याद करना शुरू करें। मैं आज आपको एक छोटी सी चुनौती ही दे रहा हूं, आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं। जब आमोस की भविष्यवाणी पूरी होने पर है, अभी तो सुकाल के वर्ष हैं, अभी आप बाइबल फ्रीली पढ़ सकते हैं, अभी आप चर्च जा सकते हैं, अभी बहुतायत का समय है। वचन को अपने दिल में रखिए, इकट्ठा करते जाइए, ताकि जब अकाल का समय आए, कठिन समय आए, सबसे पहले आप, फिर आपका परिवार, फिर आपके द्वारा तमाम अन्य लोग जो आपकी संगति में आएंगे, आप उन्हें आशीषित कर सकें, आप उन्हें वचन सिखा सकें, आप उन्हें वचन से बिल्ड कर सकें। हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी बताकर खत्म करना चाहूंगा। एक प्रभु की दासी हुई है फैनी क्रॉसबी, और फैनी क्रॉसबी प्रभु की एक ऐसी दासी हुई है जिसने बहुत सारे हिम्स और बहुत सारे गीतों को लिखा। लोग बताते हैं लगभग 9000 गीत उसने अपने जीवन भर में लिखे। लेकिन एक अचंभे की बात यह है, फैनी क्रॉसबी जब पैदा हुई तो कुछ ही सप्ताह के बाद वो उसकी आंखें चली गई, उसकी दृष्टि चली गई। लगभग 6 सप्ताह के बाद उस बच्ची की आंखें चली गई, और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, वो पढ़ तो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी माँ उसको परमेश्वर का वचन सिखाया करती थी, रोज परमेश्वर का वचन उसके लिए पढ़ती और उसको याद कराती थी। और इसीलिए फैनी क्रॉसबी जब थोड़ी सी ही बड़ी हुई थी, उसने इतना परमेश्वर का वचन याद कर लिया था कि उसके बाद वो परमेश्वर के वचन के आधार पर गीतों को लिखने लगी, हिम्स को लिखने लगी, और बहुत बड़ी बरकत का कारण बनी। भले ही वो ब्लाइंड थी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बड़ी आशीष का कारण बनी, क्योंकि उसकी मां ने उसको सिखाया था परमेश्वर के वचन को याद करना। प्रियो, मैं और आप भी दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को स्टोर अप करें। सो हम प्रार्थना करेंगे और मिलकर आज प्रभु से ये मदद मांगे, ये डिजायर मांगिए। आप प्रभु से कहिए, लॉर्ड मेरे अंदर ये इच्छा पैदा हो, मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिले। कैसे यूसुफ ने फिरौन से कहा था, तुझे एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति चाहिए। आइए हम भी प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बुद्धिमान और समझदार बनाइए, ताकि मैं आपके वचन को सीखूं, आपके वचन को अपने दिल में स्टोर अप करूं, इकट्ठा करूं, जमा करूं, उसकी रक्षा करूं, ताकि प्रभु जब अकाल का समय आए, जब वचन दुर्लभ हो जाए, ऐसे समय में मेरे अंदर, मेरे हृदय में जो आपका वचन है, उसके द्वारा मुझे, मेरे परिवार को और मेरे लोगों को आशीष मिल सके, सुरक्षा मिल सके। लॉर्ड हम सबको आप ग्रेस दें। आज हम दुआ करते हैं प्रभु, आप हमें वाइज बनाएं, आप हमें अंडरस्टैंडिंग दें प्रभु, आप हमें उस केयरलेसनेस से छुड़ाएं, आप मुझे उस केयरलेसनेस से छुड़ाएं, और हमें परमेश्वर के वचन को स्टोर अप करना आप सिखाएं प्रभु। लॉर्ड हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, होली स्पिरिट आप हमारी मदद करें। गिव अस ग्रेस लॉर्ड, गिव अस ग्रेस। और जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, उस वचन को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, आप हम सबको ताकत प्रदान करें, ताकि वो वचन के द्वारा हमारा, हमारे परिवार और हमारे लोगों का पालन पोषण होता रहे, हम आत्मिक रूप से बलवंत बने रहें, विक्टोरियस बने रहें, और आपके आगमन के लिए हम तैयार बने रहें। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया, अब इस वचन के अनुसार चलने का भी आप हमें अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।